हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सीएस मनीषा है। मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके फेवरेट चैनल .com में, डॉक्टर ऑफ टैक्सेशन एंड कंप्लायंस। आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी की और जानेंगे कि हाल ही में जो नोटिफिकेशन आया था जीएसटी से रिलेटेड, जिसमें बताया गया था कि कुछ चेंजेस के बारे में कि Gstr1, Gstr3B कब किसको फाइल करना है। हाँ फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कब फाइल करना है, पर अब उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं जिनके बारे में हमें मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। मैं कोशिश करूँगी ऐसे ही जीएसटी से रिलेटेड जो भी नए नए नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आते हैं उन सभी से आपको अपडेट कर सकूँ। सो जैसे कि ये देख रहे हैं, 10th अगस्त 2018 को आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम, उनके द्वारा जारी किया गया, जिसमें कहा गया इन एक्साइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 168। यानी जो 168 का पावर है, क्या है ये 168 का पावर? ये पावर बताता है कि जीएसटी के जो बोर्ड है उसके पास ये पावर है कि अपने ऑफिसर को इंस्ट्रक्ट कर सके जीएसटी से रिलेटेड मैटर पे। तो उसी पावर को एक्सरसाइज करते हुए जो जीएसटी की जो बोर्ड है, काउंसिल है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ऑफिसर को इंस्ट्रक्ट किया है कि रूल 61 सबसेक्शन 5 से रिलेटेड बातों पे। रूल 61 सबसेक्शन 5 डील करता है जो हम लोग मंथली रिटर्न सबमिट करते हैं जीएसटी में, तो उन रिटर्न से रिलेटेड जीएसटी की जो बोर्ड है उन्होंने अपने ऑफिसर को बताया है। क्या बताया है ये कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हियर बाय स्पेसिफाई दैट द रिटर्न इन फॉर्म Gstr3B ऑफ द सेड रूल फॉर ईच ऑफ द मंथ फ्रॉम जुलाई 2018 से मार्च 2019 तक शैल बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल ऑन और बिफोर 20th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ। यानी Gstr3B, जैसे कि हम लोग जानते हैं 20 ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ हमें भरना पड़ता है, देना पड़ता है। तो पहले ये डाउट था कि ये कब तक चलेगा, तो गवर्नमेंट ने अभी बताया है कि अभी जुलाई 2018 से मार्च 2019 तक अभी ऐसे ही चलेगा। 3B आपको भरते रहना है मार्च 2019 तक, वो भी 20 जो डेट है सब्सिक्वेंट मंथ की, जो 20 डेट होती है वो लास्ट डेट होती है, वही चलेगा। और टैक्सेस भी उसी टाइम पे पेमेंट करने हैं। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फर्निशिंग द रिटर्न इन फॉर्म Gstr3B ऑफ द सेड रूल शैल सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 14 ऑफ द सेड एक्ट डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी टू अ टैक्स, इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट पेएबल अंडर द सेड एक्ट बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एज द केस मे बी, नॉट लेटर देन द लास्ट डे स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑन विच इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश द सेड रिटर्न। यानी कह ये रहा है कि Gstr3B के साथ ही आपको जो टैक्स लाइबिलिटी जो भी है वो फुलफिल करनी है, जैसे भरते हैं हम लोग वैसे ही भरना है। तो मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि Gstr3B मार्च 2019 तक अभी चलेगा। ये तो 3B से रिलेटेड बातें हुई। इसके साथ और क्या बताया है, Gstr1 आउटवर्ड सप्लाई। हम लोग जानते हैं आउटवर्ड सप्लाई में दो कैटेगरी है। पहला 1.5 करोड़ से कम का टर्नओवर, 1.5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर। सो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ से कम है, एग्रीगेट टर्नओवर यानी टैक्सेबल एग्जाम दोनों मिला के आपका जो टर्नओवर है वो अगर कम है 1.5 करोड़ से, तो ऐसे केस में द सेट पर्सन मे फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विस और बोथ इन फॉर्म Gstr1, गुड्स और सर्विस या जो दोनों के लिए Gstr1 है, अफेक्टेड ड्यूरिंग द क्वार्टर। सो क्वार्टरली भरना पड़ेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2018 का आपका डेट है Gstr1 फाइल करने का, 31st अक्टूबर 2018, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्वार्टर के लिए 31st जनवरी, और जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए 30 अप्रैल 2019। सो ये है उनके लिए जो 1.5 करोड़ से जिनका एग्रीगेट टर्नओवर कम है। अब हम लोग बात करते हैं जिनका 1.5 करोड़ से एग्रीगेट टर्नओवर ज़्यादा है, ऐसे केस में क्या। तो ऐसे केस में कहा गया है कि हम लोग जैसे कि जानते थे पहले ये था 10th ऑफ द सक्सीडिंग आने वाला जो मंथ होता है उसके 10th डे के अंदर हमें
फिलअप करना पड़ता है GSTR1, पर अब गवर्नमेंट ने इससे एक दिन और एक्सटेंड किया, यानी 11th डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग सच मंथ कर दिया है. यानी इन एक्सेस ऑफ द पावर कन्फर्ड बाई सेक्शन प्रोविजो ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 वो आउटवर्ड सप्लाई की बात कर रहे हैं, और सेक्शन 168 जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्ट किए हैं अपने ही ऑफिसर को कि इसी डेट पे माना जाएगा, उन्हें भी ये नियम मानना पड़ेगा. सो जिनका टर्नओवर जो है एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 1.5 करोड़ रुपी इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर ईच ऑफ द मंथ फ्रॉम जुलाई 2018 टू मार्च 2019, यानी जुलाई 2018 से मार्च 2019 तक, अभी यही डेट चलेगा 11th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ. यानी अगर आपका अप्रैल का जो रिटर्न है GSTR1 अप्रैल में जो भी आपका सप्लाई हुआ है वो आप कब दिखाओगे, वो दिखाओगे आप, सॉरी नॉट अप्रैल क्योंकि लिए अभी चल रहा है अगस्त चल रहा है, तो अगस्त का जो भी है वो आप दिखाओगे सेप्टेम्बर में विद इन 11th इज द लास्ट, 11th सेप्टेम्बर विल बी द लास्ट डेट टू फाइल इन केस ऑफ अगस्त 2018 मंथ, वो भी अगर आपका 1.5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तो. सो ये कुछ अपडेट्स था GST से रिलेटेड. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो. ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लोगों को बताएं. दिस इज़ CS मनीषा साइनिंग ऑफ. थैंक यू, बाय.